सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगी। क्या ये सच है मिसेज नूतन बजाज कि बॉबी आपको हॉस्पिटल में दीपक सेठ की देखरेख के लिए पैसे दिया करता था? जी। ये सच जानने और समझने के बावजूद भी आपने उसे अपनी और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए इजाजत दे रखी थी? जी हाँ। क्या मैं जान सकता हूं कि आपका बॉबी के साथ रिलेशन क्या है? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, मैं इनकी बात का जवाब देती हूँ फर्नांडिस साहब। बॉबी सिक्वेरा के साथ मेरा रिश्ता सिवाय ईमानदारी और सच्चाई कर कुछ नहीं है। मैंने बॉबी की बात पर भरोसा किया, मैंने जेरी की बात पर भी भरोसा किया जब वो बॉबी को मेरे पास पहली बार लेके आए थे और सारी सच्चाई बताई थी। मेरी सारी जायदाद उस अनाथालय को दे दी गई थी जिसे जेरी चलाते हैं। अनाथालय ने वो सारी प्रॉपर्टी बेचकर एक रॉक बार शुरू कर दिया जिसे बॉबी चलाता है। बदले में बॉबी ने ना सिर्फ दीपक की देखभाल करने की जिम्मेदारी ली बल्कि बाकी बचे हुए पैसे भी वो अनाथालय को लौटा देता था। एक तनख्वाह के अलावा बॉबी ने और कुछ नहीं कमाया। जब मैंने बॉबी को महीने दर महीने ये करते हुए देखा तो मेरा उस पर भरोसा और भी बढ़ गया। आज मैं बॉबी पर पूरा भरोसा करती हूँ। अगर आज बॉबी अपने सारे जुर्म और अपने तमाम कोशिशों को कबूल नहीं करता तो ये केस जहां है उससे आगे नहीं बढ़ पाता। मेरे और मिस्टर फर्नांडिस के लाख मना करने के बावजूद वो नहीं माना क्योंकि बॉबी को लगा कि चीमा के मारे जाने के बाद इस केस का आगे बढ़ पाना मुश्किल है। और तारा सहगल, जिसे सिर्फ इसलिए मुजरिम ठहराया जा रहा है क्योंकि वो उस जगह से रंगे हाथों पकड़ी गई, बेगुनाह होने के बावजूद वो सजा से नहीं बच पाएगी। योर ऑनर, मैं एक बार फिर बॉबी स्क्वेरा को फिटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। प्लीज गो अहेड। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर बॉबी स्क्वेरा, अगर तुम वाकई सुधर जाना चाहते थे जैसा कि तुम्हारे काबिल वकील साहब कह रहे हैं तो तुमने अपने आप को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे वेल विशर्स नहीं चाहते थे कि मैं ऐसा करूं। दीपक सेठ जिस जगह पहुंच गए थे उन्हें वहां पहुंचाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ था। इसलिए योर ऑनर, इसलिए मैंने सोचा कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर देने से पहले मैं उन्हें वो सब कुछ दे दूं जो उनका हक था। तुमने दीपक सेठ की जिंदगी में बार बार आकर उनका चैन खत्म करने की और बाद में दीपक सेठ को ही खत्म करने की कोशिश क्यों की? क्योंकि मुझे अशोक सहगल ने पैसे दिए थे। उसकी बेटी और उसमें क्या दुश्मनी है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अशोक सहगल मुझे उनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए सालों तक पैसे देता रहा। इनफैक्ट मिस्टर दीपक सेठ के कत्ल के बाद भी जेरी के कहने पर मैंने वीरू और आफताब की इस केस को सॉल्व करने में मदद की। योर ऑनर, मैंने जो आपको फाइल सबमिट की है उससे साफ जाहिर होता है कि 16 जनवरी को अशोक सहगल गोवा गया था और उसी रात वो नर्सिंग होम भी गया था। हालांकि हॉस्पिटल रिकॉर्ड में उसने अपना नाम प्रमोद पांडे लिखवाया था। दोनों सिग्नेचर के सैंपल्स फाइल में मौजूद हैं ताकि आप हैंडराइटिंग मैच कर सकें। Your Honor, I have finished for today. कोर्ट की अब तक की प्रोसीडिंग्स को मद्देनजर रखते हुए मैं साजिश और कत्ल की कोशिश के इल्जाम में बॉबी सिक्वेरा को हिरासत में लेने का हुक्म देता हूं। हालांकि अब तक की कार्यवाही को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि बॉबी को मुजरिम माना जाना चाहिए। बेगुनाह साबित होने तक तारा सहगल को मुजरिम माना जाएगा। कोर्ट की अगली तारीख 15 अप्रैल 1995 मुकरर की जाती है। उस तारीख को पूछताछ के लिए अशोक सहगल को अदालत में पेश किया जाएगा।